सकती, लेकिन फिर इस ऑर्डर को लेकर के इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक इसे ले जाया गया है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस ऑर्डर से फिर परेशानी हो रही है, जो आम जनता का नाम ले रहे हैं कि वो दुखी हो रहे हैं? हल्ला करने वाले लोग हैं वो वही हैं जिन्होंने स्टेट लैंड्स पे रिसेंटली खासकर 1990 के बाद कब्जे किए, अनाधिकृत कब्जे किए। वो इन तीन कानूनों के किसी भी दायरे में आते नहीं है, और ये वही लोग हैं जिनके लिए सरकार ने षड्यंत्र करते हुए रोशनी कानून भी बनाया था, क्योंकि बाकी सब मैकेनिज्म्स में तो पुरानी आपकी गिरदावरीज वगैरह चाहिए हैं। तो वही लोग हैं जो इस ऑर्डर के अगेंस्ट शोर डाल रहे हैं, जो इस ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और खुलेआम सड़कों पर आके ये कह रहे हैं कि स्टेट लैंड से एविक्शंस नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CEN न्यूज़ में। आज जिस विषय को लेकर हम आपके रूबरू हो रहे हैं, इस वक्त वो जम्मू कश्मीर की जनता का सरदर्द बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरकार द्वारा पारित किए गए उस आदेश की, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी तक स्टेट लैंड पर हुए जितने भी इल्लीगल एनक्रोचमेंट है उसे 100% हटाया जाए। इस ऑर्डर को लेकर जम्मू कश्मीर में लोग भी दो गुटों में बट गए हैं, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इस आदेश के चलते रातों रात कई लोग बेघर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सरकार का ये आदेश बहुत अच्छा है, सराहनीय है। इसी विषय पर जानते हैं कि एकजुट जम्मू के अंकुश शर्मा जी का क्या कहना है और उनका क्या मानना है सरकार के इस आदेश को लेकर। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकुर जी, एकजुट जम्मू एज अ पार्टी, उसके आप नुमाइंदे हैं, आपका क्या मानना है सरकार का ये जो आदेश आया है, कितना सही है या कितना गलत? देखिए, स्टेट लैंड्स पे से इल्लीगल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स को एविक्ट करना, ये तो कानून है और ये होना भी चाहिए। और 2020 में जिस समय हाईकोर्ट ने रोशनी केस में जजमेंट दी थी, तो यही कहा था कि जो इल्लीगल और अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स हैं आप उन्हें तत्काल प्रभाव से निकालिए। अब सरकार के द्वारा अगर ये आदेश आया है एंड इफ दे रियली मीन इट, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। एक जो कैवियट मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो केवल इतना ही है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण रेवेन्यू लॉस की कुछ चीज़ें हैं जो सरकार की सोच से परे हो गई हैं, तो उसका जो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हमें कोर्ट्स में भी दिखती है। जब लोग कोर्ट में आते हैं, हमसे चर्चा करने आते हैं, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है इल्लीगल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स को बाहर निकालिए। मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स जो जैसे हमारे सांबा, कठुआ या जम्मू के बॉर्डर बेल्ट पे रह रहे हैं या एडजसेंट एरियाज में रह रहे हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, फार्मर्स हैं, वो एनक्रोचर्स की कैटेगरी में नहीं है। लोग वो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के हिसाब से प्रॉस्पेक्टिव ओनर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गिरदावरीज, उनके कब्जे बहुत पुराने चल रहे हैं, कोई 47 से है, कोई 50 से है, कोई 55 से है, कोई 70-71 से है। और अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट तो साफ तौर पे ये कहता है कि अगर आपका 71 का कब्जा है ऐसी ज़मीन पे, जो ज़मीन बनी सरकारी इसलिए क्योंकि बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट अप्लाई हुआ, तो आप अगर 71 के गिरदावरी होल्डर हो तो आपको ओनरशिप मिलेगी। 57-58 की गिरदावरी अगर आपके फेवर में है, तो गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है LB 6 ऑर्डर, जिसके तहत आपको टेनेंट एट विल रिकग्नाइज करके गवर्नमेंट ऑर्डर S-432 में ओनरशिप की एंटाइटलमेंट हो जाती है, तो उसके भी आप ओनर बन सकते हैं। और फिर इसके अलावा 71 वगैरह के बाद की अगर गिरदावरीज हों से 70-75 तक, तो 1971 का मार्च का एक CM गाइडलाइंस के नाम से प्रचलित एक ऑर्डर है, तो 48 कनाल की सीलिंग लिमिट तक आप स्टेट लैंड की मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हो, तो आप प्रॉस्पेक्टिव ओनर्स हो, एनक्रोचर्स उस कैटेगरी में नहीं हो। तो जिन गरीबों का हवाला दिया जा रहा है, जिन लोगों का के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बेघर हो जाएंगे, वो ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ देम आर एंटाइटल्ड अंडर दीज 3 मैकेनिज्म्स की उन्हें मालिकाना हक मिल सकते हैं, मतलब इन तीन अलग अलग तरीकों से। मान लीजिए 57-58 की गिरदावरी तो LB 6 के तहत मिलेगा, 71 की गिरदावरी है तो अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत मिल जाएगा, और 71 से 75-80 तक की भी गिरदावरी है तो किसी तरीके से केस टू केस बेसिस पे कंडीशनैलिटीज फुलफिल करने के बाद मार्च 71 का जो ऑर्डर है CM गाइडलाइंस उसके तहत मिल जाएगा। अंकुर जी, लेकिन फिर इस ऑर्डर को लेकर के इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक इसे ले जाया गया है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस ऑर्डर से फिर परेशानी हो रही है, जो आम जनता का नाम ले रहे हैं कि वो दुखी हो रहे हैं? देखिए, लार्जली जो हल्ला गुल्ला करने वाले लोग हैं वो वही हैं जिन्होंने स्टेट लैंड्स पे रिसेंटली खासकर 1990 के बाद कब्जे किए, अनाधिकृत कब्जे किए। वो इन तीन कानूनों के किसी भी दायरे में आते नहीं है, और ये वही लोग हैं जिनके लिए सरकार ने षड्यंत्र
करते हुए रोशनी कानून भी बनाया था, क्योंकि बाकी सब मैकेनिज्म्स में तो पुरानी आपकी गिरदावरीज वगैरह चाहिए हैं। तो वही लोग हैं जो इस ऑर्डर के अगेंस्ट शोर डाल रहे हैं, जो इस ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और खुलेआम सड़कों पर आके ये कह रहे हैं कि स्टेट लैंड से एविक्शंस नहीं होनी चाहिए। देखिए, किसी ने घर बनाया है और ये जानते हुए घर बनाया है कि मैं सरकारी ज़मीन ख़रीद रहा हूँ और 5 लाख रुपए मरले के बजाय 1.5 लाख रुपए मरला दे के ख़रीदा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी ना कभी तो फेस करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर आप इस समय कोई रिलैक्सेशन दिखाओगे तो मुझे बताओ कि आप स्टेट लैंड्स पे जो इनक्रोचमेंट है उसकी समस्या से निजात कैसे पा पाओगे। किसी समय तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे कि ये समस्या निरंतर ना चलती रहे। आज अगर सरकार घुटने टेक देती है तो मुझे बताइए क्या स्टेट लैंड्स की इनक्रोचमेंट का प्रोसेस कभी रुकेगा? आप इंसेंटिवाइज ही करेंगे ना। कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो अल्टीमेटली आपको यही विश्वास दिलवाएगा कि आप जम्मू कश्मीर में सरकारी भूमि पे कब्जा कर सकते हो, इलीगली उसे ऑक्यूपाई कर सकते हो, कोर्ट के भी आदेश हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, ये ज़मीन आपके नाम हो ही जाएगी। तो आप इनक्रेज करेंगे लोगों को स्टेट लैंड की इनक्रोचमेंट के लिए? तो इस चीज़ को थामने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को कड़ाई से और सख्ती से इस आदेश का पालन करना चाहिए, इस आदेश को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, खासकर जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए जिस उद्देश्य से रोशनी बनाया गया था, जिसके चलते 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर पास किया गया था, जिसके चलते रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहाँ पर सेटल किया गया है। JDA की लैंड्स पे, हमारे रिवर बेड्स पे, हमारी फॉरेस्ट लैंड्स पे आप जाके देखिए सिदड़ा में JDA की लैंड का क्या हाल है। उन लोगों को इस ऑर्डर से अधिक समस्या होगी क्योंकि वो किसी भी ऑर्डर के तहत कवर नहीं होते। हाँ सरकार, मैंने फिर एक कहा कि प्रॉबेबली एक ओवरसाइट हो रही है कि जो लोग एंटाइटल्ड हैं अंडर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट LB6 1971 का ऑर्डर, उनके साथ छेड़खानी ना करें, बस केवल इतना ही, क्योंकि उन्हें कानून ही कहता है कि ये प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं। वो केवल सरकार की गलती है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में अकॉर्डिंगली कानून के हिसाब से म्यूटेशंस एंटर नहीं की गई थी उक्त समय पर। तो अभी समय है, आप कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है नहीं होनी चाहिए, और अगर वो कानून में सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो भी क्यों, तो 1990 के बाद लार्जली कवर होंगे। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत सख्ती से इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हाईकोर्ट का आदेश भी यही कहता है। और हाईकोर्ट का आदेश एक बात और कहता है कि आपको जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके ज़मीनों को हड़पने का काम किया, उनको नंबर वन प्रायोरिटी बना के उनके खिलाफ कार्रवाई आरंभ करनी है। तो मुझे लगता है कि इस संबंध में भी सबसे पहले कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनके घर फॉरेस्ट लैंड्स पे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मुख्यमंत्री, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं पूर्व में जो रहे, जो स्टेट लैंड पे अनाधिकृत बैठे हुए हैं। मैं वही आपसे पूछने जा रही थी कि आम जनता के अलावा रोशनी एक्ट के चलते, आप खुद जानते हैं, आपने लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अवगत करवाया था कि ये कितना बड़ा स्कैम था। इसके चलते जो बहुत बड़े शख्सियतें जो इसमें इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है क्या उनको भी कुछ कार्रवाई हो पाएगी जो सरकार ने ऑर्डर दिया, या सिर्फ हवाईबाजी रह जाएगी? देखिए, इनका अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर तो उम्मीद कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आदेश अगर निकला है तो इस पर हमें देखना चाहिए और लेट अस सी कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई एक्चुअली होती है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आई कैन नॉट बिलीव कि ये हो ही जाएगा, बट आई शुड ऑल्सो नॉट रूल आउट कि नहीं होगा। बेटर सेंस कैन प्रिवेल एनी टाइम। पहले अधिकारी, अभी अधिकारी, क्या इस समय इनकी सोच है, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक आई कैन नॉट प्रोबेबली टेक अ पोजीशन कि होगा या नहीं होगा। लेकिन हम ये चाहते ज़रूर हैं कि इन बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने हायर पोजीशंस पे जाके इस तरीके के घिनौने कृत्य किए हैं और लोगों को भी इनकरेज किया है। और कुछ उसमें जेन्युइन भी ऐसे हो सकते हैं जो फंस गए, लेकिन देखिए आप किसी फ्रॉड का हिस्सा बनते हैं और कहीं ना कहीं आपको, देखिए सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होती, जब आप केवल पोजेशन ले रहे हैं और आपको पता है कि ये स्टेट लैंड है और इस विश्वास पे कि कुछ नहीं होगा, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए, कम से कम जो नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर कहाँ से ये बात आ गई कि भाई मैंने तो घर बनाया है, जब तुमने घर बनाने के लिए 10 मरले ज़मीन जो मार्केट प्राइस से आपको आधे दाम पे मिल रही थी क्योंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं होती और स्टेट लैंड है, तो वो ख़रीदने के बजाय थोड़ी महंगी असली साफ सुथरी ज़मीन नहीं खरीद सकते थे? सरकारी ज़मीन ही क्यों खरीद रहे थे आप लैंड माफियाज के साथ मिलकर? लैंड माफिया कैसे ऑपरेट करता है? कि हवा में ऑपरेट करता है, आइसोलेशन में ऑपरेट करता है। लैंड माफिया तभी काम कर पाता है जब लोग तैयार होते हैं ज़मीन ख़रीदने के लिए, क्योंकि कम दाम पर मिल रही होती है। सैनी कॉलोनी में अगर साफ सुथरी ज़मीन आपको आज 15 लाख रुपए मरला में मिल रही है, तो उसके एडजेसेंट कोई स्टेट लैंड आपको 5 लाख रुपए में भी बेचेगा तो आप खरीद लेंगे? खरीदते हैं लोग। तो क्या उनको नहीं पता होता है कि ये रेट डिफरेंस क्यों है, या उनको नहीं पता होता है कि इस केस में ज़मीन की फ़र्द क्यों नहीं कटेगी, रजिस्ट्री क्यों नहीं होगी,
किसी भी आम व्यक्ति से आप पूछिए, सबको पता है कि रजिस्ट्री होती है, आपका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में आता है। तो नोइंगली जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको उसके परिणाम नहीं भुगतने। हाँ, किसानों के को लेके जो संबंध में जो बात है, तो वो तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी साफ किया है कि वो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं। जो 47 से जोत रहा है, 1971 का गिरदावरी होल्डर है, वो तो अदरवाइज प्रोस्पेक्टिव ओनर है। उसके नाम पे तो केवल मालकी करनी है। सांबा कट हुआ, जम्मू के एरिया में कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो उस संबंध में हमने कुछ केसेस भी फाइल किए हैं। कोर्ट्स ने भी प्रोटेक्शन दी है कानून के आधार पे। तो सरकार को भी ये देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि हम किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अंकुर जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रोशनी एक्ट के चलते जम्मू की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। आपको क्या लगता है कि किस हद तक बात सही है? कुछ लोगों का नहीं, हमने ये कहा था और हमने इसको साबित भी करके दिखाया। देखिए, हिमालय का इस्लामीकरण, जम्मू संभाग का इस्लामीकरण और फिर अंततः सनातन का इस्लामीकरण और अनफिनिश्ड चैप्टर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत साफ है। फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इम्पॉर्टेंट, जम्मूज फॉल इज क्रिटिकल। कश्मीर का इस्लामीकरण 90 में हिंदुओं की हत्याएं करके पूरा कर लिया गया था। तो यहाँ पे जितनी भी चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस के लोग हों, जो कश्मीर बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उस षड्यंत्र में शामिल हैं। ये हमारी विधानसभा को इस्तेमाल करके ऐसे कानून बनाते हैं जिसके चलते जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, हिंदू माइनॉरिटी लाके, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली जैसे कश्मीर में हिंदू विहीन किया, जम्मू को भी हिंदू विहीन किया जाए। यही उद्देश्य आपने बहुत सारे तरीकों से इसको होते हुए भी देखा है। 14 फरवरी 2018 का मुख्यमंत्री एक ऐसा आदेश पारित करती है जहाँ कहती है मुसलमान ज़मीन पर कब्जा करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि मंशा क्या है, सोच क्या है। एनकरेज किया जा रहा है कि जाके ज़मीनों पर कब्जा करिए, कोई DMSSP आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जिनको पूरे कश्मीर में कहीं जगह नहीं है, स्पेशली जम्मू संभाग में उन्हें जगह है क्योंकि जम्मू की डेमोग्राफी चेंज करनी है। आप तभी देखिए रिवर बेड्स, देखिए फॉरेस्ट लैंड्स, देखिए रिकॉर्ड्स जो हाई कोर्ट में आए हैं, 90% से अधिक कौन लोग हैं जिनके अनाधिकृत कब्जे हैं। तो रोशनी कानून हो, ये सब तमाम दूसरे हथकंडे हों, ये जम्मू को हिंदू विहीन अंततः करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। इस जेनोसाइडल डेमोग्राफिक असॉल्ट के खिलाफ ही हम लड़ाई लड़ रहे थे। इसी संबंध में रोशनी कानून की संवैधानिक वैधता को भी हमने चुनौती दी थी अपना 2014 में। वो PIL नंबर 41/2014 था जिसमें चुनौती दी गई थी और स्वयं मैंने ही उसे फाइल किया था। उसका केस टाइटल भी अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K के अंदर था। और साथ ही साथ इस सारे स्कैम की CBI जांच, उसके लिए भी CMP जो 48/2014 स्वयं हमने ही फाइल की थी, कंटेस्ट किया। अल्टीमेटली अंततः अक्टूबर 2020 में वो फैसला आया। तो इसी चीज़ से हम लड़ रहे हैं। तो एब्सोल्युटली क्लियर, आप किसी भी व्यक्ति से जाके बात करिए, थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। आप ये कहना चाहते हैं कि जम्मू में हिंदुओं के साथ जम्मू कश्मीर में नाइंसाफ़ी हो रही है कुछ हद तक। इसका उदाहरण हम अगर इस तरह कहें कि हमने जैसे अभी डांगरी में जो हुआ, उसके बाद में अभी पुंछ में बैक टू बैक हिंदुओं के घरों पर पत्थर बरसाए गए, ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले हैं। क्या इसका और इसको, इन दोनों मसलों को आप साथ में जोड़ सकते हैं, उससे कह सकते हैं? हिंदुओं से नाइंसाफी नहीं हो रही है, एक हद तक हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। 1990 में हिंदुओं की धर्म के को आधार बना के हत्याएं की गई, वो हत्याएं निरंतर चल रही है। टारगेटेड किलिंग इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप हिंदू हैं, आपको आपके माइनॉरिटी बेनिफिट्स और राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते। उसके तहत आने वाली स्कीमों का बेनिफिट जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को साइफन ऑफ कर दिया जाता है। एक जेनोसाइडल प्रोसेस है। आपकी डेमोग्राफी को चेंज करना, आपको माइनॉरिटी में ला के आपके खिलाफ जेनोसाइडल वॉर्स प्लान करना, ये सब आपके सामने है, ये जेनोसाइडल अटैक्स हैं। तो केवल नाइंसाफी की बात नहीं है लेकिन नरसंहार तक मामला पहुंच चुका है। और जेनोसाइडल प्रोसेसेस तमाम तरीके के रहते हैं। राजौरी डांगरी में जो हुआ वो हिंदू नरसंहार की निरंतरता को दर्शाता है। पुंछ में जो पत्थरबाजी हो रही है, रिपीटेडली धर्म के आधार पे लोगों के को डराया जा रहा है कि थिंग्स आर नॉट सेफ एंड प्रोबेबली यू शुड माइग्रेट, ये सब जेनोसाइडल प्रोसेसेस हैं। ये वही चीज़ें हो रही हैं इस समय जो कश्मीर में 90 में या 85, 87, 88, 89 में जो परिस्थितियाँ बनी थी उस समय हो रही थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि तब का कश्मीर आज का जम्मू बनाने की तैयारी की जा रही है? एब्सोल्युटली, जम्मू प्रोविंस में आप लश्कर ए तैयबा के लोकल मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं। जम्मू संभाग में पिछले 2 साल में देख लीजिए कितने एनकाउंटर्स हो गए हैं जम्मू सिटी में। सिदड़ा का लेटेस्ट है, आप देखिए कितने IEDs डिस्कवर हुए हैं। ये देखिए ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए यहीं पर रहने वाले लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम करते हैं, किस तरीके से वेपन्स, ड्रग्स और टेररिस्ट्स को यहाँ से स्मगल करके वहाँ पहुँचाते हैं। किसी चांस एनकाउंटर में कोई पकड़ा जाता है, कितने लेवल पे हथियारों का असली का जो परिस्थिति है, आप जाके
अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए पता करिए, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके की यहाँ पे सारी एक माहौल बना हुआ है। तो इस संबंध में आपको सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर से भी बदतर हो रहा है। अगर इतना सब हो रहा है तो सरकार कहाँ सोई हुई है? सरकार इस जिहाद पे, इस जेनोसाइडल प्रोसेस पे पर्दा डालने का काम कर रही है। आपके एलजी हैं जो कहते हैं कि हिंदू हत्याओं को धर्म के एंगल से मत देखिए, आपके होम मिनिस्टर हैं जो कहते हैं टेररिज्म नो रिलीजन, आपकी पूरा सरकारी तंत्र है जो ये विश्वास दिलाने में लगा है कि ये जो हत्याएं जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हो रही हैं वो सेक्युलर किलिंग्स हैं, जब धर्म के एंगल से नहीं देखना है। जिहाद एक मिथ है, ये बता, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक मिथ है। तो प्रॉब्लम को डायग्नोज गलत तरीके से करना या असल प्रॉब्लम पे पर्दा डालना सरकार का ये काम है। सरकार एक सबवर्सिव रोल अप्लाई कर रही है, निभा रही है सबवर्सिव रोल, जिसके कारण हिंदू नरसंहार निरंतर चलता जा रहा है। आपके मायने में इसका हल क्या होगा? समस्या को सबसे पहले उसके नाम से पुकारना, कहना कि जम्मू कश्मीर में जो हम फेस कर रहे हैं वो जिहाद है। और जिहाद कोई, देखिए, एक ऐसा कैजुअली इस्तेमाल किया हुआ शब्द नहीं है, बल्कि एक टोटल वॉर फॉर्म है। जैसे टोटल वॉर्स कहा गया वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू को, तो एक तरीके की वॉर फॉर्म थी ना, जिसे कहा गया कि ये वर्ल्ड वॉर है, तो वैसे ही जिहाद एक वॉर फॉर्म है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि जम्मू कश्मीर में समस्या जिहाद है, जिहाद को डिफीट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए हिंदू जेनोसाइड को आधिकारिक तौर पर घोषित करना कि जिहाद के कारण हिंदू नरसंहार हुआ और निरंतर चला आ रहा है, उसके बाद स्थिति कंट्रोल में आएगी। और उसके बाद जो इंडॉक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं जिहादी जम्मू कश्मीर में, उन्हें ध्वस्त करना, उन्हें ख़त्म करना, और ना केवल आतंकियों को मारना एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच लेके, बल्कि आतंक की फैक्ट्रीज़ को भी बस्ट करना। ये जो रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से टेररिस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं इंडॉक्ट्रिनेशन के बाद, उन्हें भी ध्वस्त करना, उन्हें भी ख़त्म करना। आपने भी देखा होगा कि जमात इस्लामी जो एक बैंड आउटफिट है, होम मिनिस्ट्री ने जिसे बैन किया है, कल ही मेरे संज्ञान में लाया गया एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा, और एक इंटरव्यू भी हुआ मेरा उस संबंध में, कि किश्तवाड़ में जो गणमान्य नागरिकों की मीटिंग हुई थी उसमें वहाँ का अमीर, जमात इस्लामी का डिस्ट्रिक्ट हेड, वो गणमान्य लोगों की सूची में शामिल होके वहाँ पे वॉज रबिंग शोल्डर्स विद द हाईएस्ट पुलिस ऑफिशल्स, और चर्चा कर रहे थे कि किश्तवाड़ में क्या होगा। So that is the kind of situation that we have in J&K. तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, और जितनी भी सबवर्जन हुई है जम्मू कश्मीर की पॉलिटी में, उसे रिवर्स तभी आप कर पाएंगे जब आप समस्या को कहेंगे कि ये समस्या है, and then you'll be able to reverse it. आने वाले दिनों में चुनावों को लेकर भी जम्मू कश्मीर में हलचल है कि चुनाव आने को हैं। अगर वैसी स्थिति होती है, चुनाव आते हैं, तो एकजुट जम्मू का क्या स्टैंड रहेगा जम्मू के लिए, और सरकार द्वारा इस वक्त जो भी नीतियां अपनाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर को लेकर? एकजुट जम्मू का डायरेक्ट स्टैंड है सेपरेट जम्मू स्टेट, और 43 एमएलए सीट्स और 2 एमपी सीट्स पे एकजुट जम्मू चुनाव लड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, सेपरेट जम्मू स्टेट ही हमारा गोल है, उसी को लेकर हम चुनावों में भी उतरेंगे और एकजुट जम्मू इफेक्टिवली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगी। आपसे चलते हुए एक अंतिम सवाल, एडवोकेट अंकुर शर्मा एकजुट जम्मू में पॉलिटिशियन बन के आए, ये सफ़र कैसे? नहीं देखिए, ये तो हैंड इन हैंड ही हुआ। इनफैक्ट एडवोकेट तो चलिए वो बाय प्रोफेशन है ही, लेकिन पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें तो हैंड इन हैंड चली, इट्स एन एवोल्यूशन। आप ये पूछिए कि इंजीनियरिंग के बाद किस तरीके से हुआ, तो अगेन इट इज़ एन एवोल्यूशन। इंजीनियरिंग 2008 में जब ख़त्म हुई, तो उसके बाद 3-4 साल ऐसे थे जो एनलाइटनिंग रहे, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस में इन्वेस्टमेंट्स थी जिसके कारण आंखें खुली, चीज़ें समझ आई, तो धीरे धीरे ये सफ़र शुरू हुआ। और फिर आपने देखा ही 2014 में रोशनी कानून को चुनौती देना, जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा भूमि घोटाला 25,000 करोड़ का, उसे बस्ट करके कोर्ट में ले जाके अंततः उस पर CBI करवाना, अंततः ये केस अपना कानून ध्वस्त करवाना, बीच में माइनॉरिटी इशूज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना, और तकरीबन 40 से 45 लाख लोगों के लिए न्याय की एक विक्ट्री के तौर पे उसे वो करके लाना, वहाँ से केस जीतना, और तमाम जितने भी आइडियोलॉजिकल प्रहार जम्मू संभाग पे हुए हो रहे थे उनका जवाब देना, और ये संघर्ष चलता रहा, चीज़ें इवॉल्व होती रहीं, आज आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अंकुश शर्मा जी, जिन्होंने सरकार की इस नीति पर अपने जो भी उनका सोच विचार थे बिल्कुल आपके सामने साफ साफ शब्दों में कहे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हो रहे हिंदुओं के साथ नरसंहार को सरकार की कहीं ना कहीं नाकामयाबी भी बताया, वहीं आम जनता जो सरकार द्वारा
आदेश पारित हुआ है रोशनी एक्ट के तहत या बाकी स्टेट लैंड्स पर एनक्रोचमेंट को लेकर लोगों के जो भी सवालात थे उनके जवाब उन्होंने दिए। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में सरकार के इस आदेश का जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर की राजनीति पर क्या असर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ संध्या मुखर्जी, CEN न्यूज़ जम्मू। लेकिन फिर इस ऑर्डर को लेकर के इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक इसे ले जाया गया है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस ऑर्डर से फिर परेशानी हो रही है, जो आम जनता का नाम ले रहे हैं कि वो दुखी हो रहे हैं? हल्ला करने वाले लोग हैं वो वही हैं जिन्होंने स्टेट लैंड्स पे रिसेंटली खासकर 1990 के बाद कब्जे किए, अनाधिकृत कब्जे किए। वो इन तीन कानूनों के किसी भी दायरे में आते नहीं हैं और ये वही लोग हैं जिनके लिए सरकार ने षड्यंत्र करते हुए रोशनी कानून भी बनाया था, क्योंकि बाकी सब मैकेनिज्म्स में तो पुरानी आपकी गिरदावरीज वगैरह चाहिए हैं। तो वही लोग हैं जो इस ऑर्डर के अगेंस्ट शोर डाल रहे हैं, जो इस ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और खुलेआम सड़कों पर आके ये कह रहे हैं कि स्टेट लैंड से एविक्शंस नहीं होनी चाहिए। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।